अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अदील और आप देख रहे हैं उकाड़ा बाज़ार। तो नाज़रीन, हम इस वक्त मरुंडा बाज़ार में दीना बिरयानी एंड नाश्ता पॉइंट पर हैं। तो आइए नाज़रीन, हम इनके मालिक से बात करते हैं और उनसे इनकी कामयाबी करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नेम? गुलाम। तो सर आपने ये कारोबार कब से स्टार्ट किया? ये कारोबार तकरीबन हो गए 7-8 साल हो गए। ये कारोबार कर रहे हैं? नहीं, मेरे बचपन से मेहनत का शौक था। मेरे वालिद साहब भी मेहनत करते थे, उन्होंने भी सारी जिंदगी मेहनत की है, तो इसी सिलसिले में मैं भी इस फील्ड में आया हूँ। किस एज से कारोबार शुरू किया? तो सर, इससे पहले आप ये कारोबार स्टार्ट करते थे, पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैंने काफ़ी वर्किंग की है, गारमेंट से काम किया मैंने, अपना निशात टेक्सटाइल मिल में काम किया है, और इसके अलावा मैंने ए सी टेक्नीशियन रहा हूँ मैं। तो सर, आप वो दूसरे कारोबार छोड़कर यहाँ क्यों आए? वो ऐसे मुलाजमत थी, लेकिन ये अल्लाह से शुक्र है, ये मुझे अल्लाह पाक ने अपना कारोबार दिया है। आपने सोचा भी मुलाजमत से कारोबार बेहतर होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, कारोबार अपना हो, थोड़ा हो, बहुत हो, अपना अपना ही होता है, अपनी भाषा कैसी चीज़ की कहीं भी नहीं है। तो आप उकाड़ा के नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि वो मुलाजमत करें या कोई अपना कारोबार स्टार्ट करें? मुलाजमत एक ऐसा शोबा है, मुलाजमत हर इंसान को सीखने के लिए करनी पड़ती है। हर इंसान कुछ ना कुछ, कहते ना सियाने, उस्ताद तो होना लाजमी है, जब तक उस्ताद नहीं होगा आप कैसे काम सीखेंगे? काम सीख के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हर इंसान को अपना कारोबार करें। जब इंसान काम सीख लेते हैं, अपना कारोबार करता है, तो उसकी फिर नीयत पर डिपेंड करती है। अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला भी उसको साथ देते हैं और अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। कुकिंग का काम कैसे शुरू किया, कैसे कुकिंग के काम का शुरू से लेके अब तक कैसे कामयाब हुए आप कुकिंग में? कुकिंग का काम बस एक आइडिया था, इधर फूड पॉइंट मेरे एरिया में था कोई नहीं, तो मेरे दोस्त ने मुझे बचा दिया, इधर खाने का काम कर लें आप। मैंने इसके लिए अपना उस्ताद हायर किया है, उससे मैंने अपना काम सीखा है, तो फिर मैंने मतलब ये काम स्टार्ट किया है और उस्ताद के साथ काफ़ी मेहनत भी की है मैंने। अब आपने शेफ़ रखे हुए या ख़ुद पकाते हैं आप? मैं खुद सब कुछ पकाता हूँ। तो शेफ़ रखना अच्छा है या ख़ुद पकाना अच्छा है? नहीं, खुद पकाना अच्छा है, इंसान जो खुद पकाना है वो शेफ़ ही पका सकता है। कारोबार के लिए बंदा खुद पकाए? हाँ, कारोबार अपने कारोबार के लिए बंदा खुद पकाए। अगर इसने वो सेल है कि आपको इतना वसी कारोबार है, तो फिर मतलब शेफ मतलब हायर कर सकते हैं। लाला जी की तरफ से क्या पैगाम है पूरे उकाड़ा के लिए? पूरे उकाड़ा के लिए यही पैगाम है, कारोबार करें, अपना करें, मेहनत करें, नीयत साफ रखें, और दूसरा नीयत साफ रखने के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हर एक को रिज़्क़ हलाल दे, रिज़्क़ हलाल कमाए, अपना आप भी रिज़्क़ हलाल खाएं, बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल खिलाएं। जी नाज़रीन, ये थे मदीना बिरयानी एंड नाश्ता पॉइंट के मालिक, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि पहले वो जॉब करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना एक जाती कारोबार स्टार्ट किया। तो इस नाज़रीन, आपको पता ये चलता है कि जॉब से कारोबार बेहतर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। Thank you, Nazim.